हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 35+ क्वेश्चंस, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो याद रखना, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। देखिए, प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इको बोलते हैं। मतलब ये कोई, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई ध्वनि अगर यहाँ से बोलता है तो क्या होता है, ये ध्वनि यहाँ पे टकरा के फिर वापस आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो याद रखना, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका टाइम पीरियड घट जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू 2π रूट अंडर एल बाय जी। ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे देखिए, जब कोई व्यक्ति झूले पर क्या हो जाता है, झूले पर अगर वो खड़ा हो जाता है, देखिए कोई व्यक्ति अगर झूले पर बैठा है तो वो जो उसका लेंथ जो मेजर होता है, देखिए ये यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से इसका लेंथ मेजर होता है। ठीक है, एल ये होता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए, ठीक है, तो एकदम बीच से इसके नाभि से इसका लेंथ मेजर होता है। तो याद रखना है, लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ तक हो जाएगा, पहले कितना था, इतना था। तो लेंथ अगर छोटा हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया कि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, जिसको टी से डिनोट करते हैं, 2π√L/g। तो आवर्तकाल देखिए, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, एल अगर चेंज होता है या जी अगर चेंज होता है तो टी में चेंज आएगा, अगर एल और जी चेंज होता है। यहाँ क्या है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो दो व्यक्ति बैठने से चेंज क्या आएगा, मास में चेंज आएगा, क्योंकि मास बढ़ेगा। लेकिन ये फैक्टर में देखिए कहीं मास का जिक्र ही नहीं है इसमें, तभी चेंज होगा जब लेंथ या जी में चेंज हो। तो मास में चेंज होगा ही नहीं, इसमें मास दिख ही नहीं रहा है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे दो व्यक्ति बैठे या तीन व्यक्ति बैठे, टी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आवर्तकाल क्या रहेगा, कोई अपरिवर्तित रहेगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, याद रखना है, एक सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल हमेशा याद रखना 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसी टाइप का क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए ये स्पेशल 35 क्वेश्चंस लाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। तो याद रखना है, जल का जो ऊपरी सतह होता है केशिका नली में, वो होता है उत्तल टाइप का होता है। किस तरह का दिखता है ऊपरी सतह, उत्तल टाइप का दिखता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? ठीक है, द्रव का घनत्व तो, क्या लिखा है, द्रव का अगर घनत्व तो अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? याद रखना, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कि द्रव जो है एक गोलाकार आकृति ले लेता है, मतलब एकदम नज़दीक आ जाता है। ठीक है, अगर पृष्ठ तनाव घटेगा तो द्रव क्या होगा, इस तरफ फैल जाएगा। लेकिन पृष्ठ तनाव अगर बढ़ता है तो द्रव इस तरह गोलाकार आकृति ले लेगा। तो याद रखना, अगर घनत्व तो बढ़ जाए, घनत्व तो बढ़ेगा तो ये क्या होगा, गोलाकार आकृति इस टाइप से आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर, वही क्वेश्चन से इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। तो याद रखना है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस, मतलब वो दिखता किस टाइप का, ये पूछा गया। तो याद रखना, उत्तल टाइप का दिखता है। जब भी आप पारे को एक बर्तन में रखेंगे तो उसका वो जो है उत्तल टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है?
तो याद रखना, अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है वहाँ पे, घटता है। लेकिन याद रखना है कि पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी है तो इसके आसपास आसपास जो है वायुमंडलीय दाब क्या होगा, अधिक रहेगा। यहाँ मतलब यहाँ पे वायु ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वायु ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब इससे आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ वायु क्या होगा, घट जाएगा, उतना नहीं रहेगा। तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा यहाँ पे, घटेगा। तो ये याद रखना है, 20 का राइट आंसर है। उसके बाद है 9 नंबर की, एक बार बराबर होता है। तो याद रखना है, एक बार बराबर होता है 10^5 पास्कल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10^5 पास्कल के इक्वल होता है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। याद रखना, किसी वस्तु का भार जो है वो अधिकतम निर्वात में होता है, ठीक है। निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिक होता है। देखिए, भार का जो फॉर्मूला होता है W=mg होता है। यह है वेट, वेट का जो फॉर्मूला होता है यानी कि भार का क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है, जी का 9.8 m/s², ठीक है। तो वस्तु का भार कहाँ पे अधिक होगा, निर्वात में। निर्वात में क्यों अधिक होगा, क्योंकि समझिए कि निर्वात में क्या होता है कि इस पे एयर का प्रेशर नहीं होता है। मतलब कि निर्वात में अगर है तो यहाँ पे एयर नहीं रहेगा, लेकिन अगर जल में रहे या वायु में रहे तो क्या होगा, वहाँ पे एयर प्रेशर अधिक होगा, तो इसलिए इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका भार घट जाएगा। इसलिए याद रखना, निर्वात में भार क्या होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। तो याद रखना है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81, यानी कि पृथ्वी का 21वां भाग होता है चंद्रमा का, 81वां भाग होता है चंद्रमा का द्रव्यमान, ये भी याद रखना है, 81 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जो है भू अस्थायी उपग्रह कितने टाइम में लगाता है, तो याद रखना 24 घंटे में लगाता है, ठीक है। एक चक्कर पृथ्वी ये है, ठीक है, इसके चारों ओर जो उपग्रह घूमता है, ठीक है, जिससे आपका सैटेलाइट क्या होता है, जिससे सैटेलाइट सब मिलता है, जिससे टीवी का कनेक्शन सब, वो जो है याद रखना कितने घंटे में पूरा चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर, तो याद रखना कितने घंटे में, 24 घंटे में, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है, तो याद रखना है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के ही कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब बना हुआ है। क्यों, क्योंकि ये समझिए कि ये आपका पृथ्वी है और यहाँ पे टोटल आपका वायुमंडल इसके आसपास रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये जो वायुमंडल है इसको पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ खींच के रखता है, और किस फोर्स के द्वारा खींच के रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींच के रखता है। तो इसका ए आंसर राइट होगा, इसलिए इसके आसपास जो है वायुमंडलीय दाब बना रहता है। 14 नंबर है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो याद रखना है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पलायन वेग क्या होता है कि ये अगर पृथ्वी है, अगर यहाँ से कितने वेग से कोई वस्तु ऊपर फेंका जाए तो वो नीचे की तरफ नहीं आए। मतलब ये देखिए, यहाँ तक मान लेते हैं इसका वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। अगर इतना वेग से अगर फेंका जाए कोई वस्तु कि ये वायुमंडलीय दाब को पार कर जाए, तो वो क्या होगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा, वो फिर ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, कितना वेग होता है, तो याद रखना वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर फेंका जाए इस वेग से, तो ये जो है वायुमंडलीय दाब को पार कर जाता है, और इस वेग को कहा जाता है पलायन वेग, ठीक है। तो याद रखना, इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो याद रखना, उसका भार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। उसका भार क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो याद रखना है, क्यों होता है, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W=mg। एम का याद रखना है, एम तो कभी चेंज नहीं होगा। एम क्या है, मास। मास कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। चेंज किस में होता है, जी में चेंज होता है। जिसका जो एक्चुअल में वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पर, वो होता है 9.8 m/s², ठीक है। लेकिन ऊपर या नीचे जाने पर जी का वैल्यू क्या होता है, कम या अधिक होता है, ठीक है। या पृथ्वी के और कहीं दूसरे भी जगह जाए तो जी का वैल्यू चेंज होते रहता है। इसलिए याद रखना है कि पृथ्वी पर जो, याद रखना, वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटते या बढ़ते रहता है, तो इसलिए परिवर्तनशील होते रहता है उसका भार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ग्रह के
गति के नियम को किसने दिया था? ग्रह का जो गति का नियम दिया था वो किसने दिया था? याद रखना, कैपलर ने दिया था। कैपलर ने जो ग्रह का गति का नियम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है कि एक जेट इंजन जो होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपका राइट आंसर होगा। जो भी रॉकेट होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षितिज दूरी तय करेगा? देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक कोई गेंद है, देखिए बोला गया कि एक कोई गेंद है उसको किस एंगल से अगर फेंका जाए, इस गेंद को किस एंगल से फेंका जाए कि ये अधिकतम दूरी चला जाए, ठीक है। तो याद रखना है, अगर इसको आप 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं, कितने एंगल से? 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो ये जो जाएगा अधिकतम दूरी, ये अधिकतम दूरी तय करेगा। याद रखना है, अगर 45 डिग्री एंगल से फेंकते हैं तो कोई भी गेंद, तो ये अधिकतम दूरी, मतलब ये आपका जो 36 दूरी है ये वाला अधिक दूरी तक जाएगा। तो याद रखना है, राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है 19 नंबर, वायुमंडलीय में बादलों के तैरने का कारण है? तो याद रखना है, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? घनत्व के कारण। याद रखना है, वायुमंडल में जो है, ये वायुमंडल है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर ये वायुमंडल है, तो बादल जो है इसके ऊपर तैरते रहता है। क्यों तैरते रहता है? क्योंकि बादल का जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व जो है बादल का, वो क्या होता है? कम होता है। कम होने के कारण ये ऊपर बना रहता है, जबकि वायुमंडल का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए ये नीचे होता है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ये आपका बादल तैरते रहता है, तो घनत्व के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो याद रखना है कि जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, याद रखना है कि टेम्परेचर जो है तापमान का सबसे कम वैल्यू होता है -273 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अधिकतम आपका बहुत हो सकता है, जैसे सन के पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो अधिकतम का कोई रेंज नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितना हो सकता है? वो इतना ही हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस। और याद रखना है, इस टेम्परेचर पर जो गैस का अणु है वो क्या होता है? उसका गतिज ऊर्जा शून्य होता है, मतलब गैस का अणु कहीं एक जगह दूसरी जगह जा नहीं पाता है, अगर इस टेम्परेचर पे है तो ये क्या होता है? यहाँ पे गैस का अणु रुका रहता है, चल नहीं पाता, इसलिए इसका गतिज ऊर्जा क्या होता है? शून्य होता है। तो याद रखना है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 21 नंबर, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो याद रखना है, 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 360 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, पारे का तापमापी 360 डिग्री सेल्सियस तक ही प्रयुक्त हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये नहीं होता है, ठीक है, 360 डिग्री सेल्सियस के अंदर तक ही पारा का जो है यूज हो सकता है किसी भी तापमापी में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 22 नंबर, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो याद रखना है, प्रिज्म के द्वारा सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो है, ये जो देखिए ये प्रिज्म है, यहाँ से जब आप कोई वाइट रे पास करते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये जो सबसे अधिक विचलित हो रहा है, मतलब सबसे अधिक जो मुड़ रहा है, ये कलर कौन सा होता है? ये होता है बैगनी। लेकिन सबसे कम ये वाला जो मुड़ रहा है ये कौन सा होता है? ये होता है लाल। ये भी याद रखना है, सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिकतम, तो बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो याद रखना है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य होती है, ये भी बात तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नीति कोण कितना होगा? तो याद रखना है, 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 45 डिग्री होगा। नीति कोण वहाँ पे फिर कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव तरंगे की क्षैतिज तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। देखिए क्या बोला गया कि जो द्रव तरंग होता है उसका क्षितिज तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करता है। किस पे नहीं करता है? तो याद रखना, 25 का जो राइट आंसर होगा आवेश पर।
आवेश पर निर्भर नहीं करता है उसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन सबसे अस्थायी होता है, न्यूट्रॉन जो है वो सबसे अस्थायी कण होता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अस्थायी कण है। यहाँ बोला गया अस्थायी, तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो याद रखना एंगस्ट्रम क्या मापता है, वो आपका वेव लेंथ मापता है, प्रकाश का वेव लेंथ मापता है, ठीक है। एंगस्ट्रम वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य मापता है। नेक्स्ट है 26 नंबर, श्यानता गुणांक का एसआई इकाई क्या है, यानी कि यूनिट पूछा जा रहा है, किसका यूनिट पूछा गया, श्यानता गुणांक का। तो याद रखना इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पॉइज, पॉइज इसका एसआई यूनिट होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक फैदम बराबर होता है, ठीक है, तो याद रखना एक फैदम जो है वो किसके बराबर होता है, 6 फीट के बराबर होता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना है जो टाइपराइटर होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था, सोल्स ने किया था। किसने? सोल्स ने किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका कितना राइट हुआ है, ताकि आपका कितना मतलब कि प्रिपेयर है एग्ज़ाम के लिए वो पता चलेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 31 का देखिए क्या होगा आंसर, लिखा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन एक ऊपर भी था जिसमें मैंने बताया था कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, जो भी रॉकेट ऊपर जाता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 32 नंबर है कि मानक दाब होते हैं, जो मानक दाब होते हैं, ठीक है, मतलब सामान सामान टेम्परेचर पे और सामान प्रेशर पे, उस तरह के दाब कितने होते हैं, उस वहाँ पे प्रेशर फिर कितना होता है। तो याद रखना वहाँ पे प्रेशर होता है पारे का 70 mm, कितना होता है 70 mm, 70 mm होता है। और पारा क्यों लिखा है, क्योंकि दाब जो है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, और बैरोमीटर में क्या होता है, पारा फिल होता है, ठीक है, इसलिए पारे का 70 mm वहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो याद रखना है मैनोमीटर के द्वारा, देखिए मैनोमीटर के द्वारा जो माप किया जाता है वो याद रखना गैसों के दाब को मेजर किया जाता है। मैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे गैस का दाब यानी कि प्रेशर को मेजर किया जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। 34 नंबर है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, याद रखना अगर वस्तु की मात्रा आप बदलते हैं तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका घनत्व। घनत्व एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें आप वस्तु की मात्रा अगर बदल भी दें तो वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि मान लेते ये अगर कोई वस्तु होते इसका घनत्व सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। इसमें आप वस्तु की मात्रा मान लेते यहाँ से हटा भी दें तो घनत्व क्या होगा, ये सब जगह इक्वल ही रहेगा, तो घनत्व चेंज नहीं होगा, बाकी ये चेंज हो जाएगा, तो इसका डी राइट आंसर है। 35 है केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है, तो याद रखना केल्विन मान में मानव शरीर का मान तापमान कितना होता है, 310 केल्विन होता है, ये भी आपको याद रखना, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है पारा जमता है, याद रखना पारा जो है वो आपका -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा क्या होता है, जम जाता है, इसलिए इसके बाद वाला -38 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे अगर मापना है तो वहाँ पे पारा का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे अल्कोहल का यूज किया जाता है, ये भी आपको बात याद रखना है, इससे अगर नीचे का तापमान मापना है तो। नेक्स्ट है उच्च तापक्रम का मापने का यंत्र, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसका आंसर जरूर बताना है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको बताना है आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।